मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि टू द पॉइंट आपके लिए होम साइंस लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ होम साइंस में आप लोगों को मैं पढ़ा रही थी, मैंने अभी आप लोगों को दिया है क्लास टेंथ का क्या है रसोई घर, मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि क्लास टेंथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। साथ ही साथ मैंने TGT PGT के लिए भी इसे महत्वपूर्ण बताया। क्यों बताया? क्योंकि ये आपका जो एक ब्रांच होता है, 5 ब्रांच आपके होते हैं, ओके। तो उसमें से जो आपका गृह प्रबंध ब्रांच होता है उसका ये एक पार्ट है, यानी कि उसका एक ये चैप्टर है गृह प्रबंध, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर देखा जाए तो आपके जो आपका पेपर अब भी होता है, TGT का हो, PGT का हो, कोई भी पेपर हो, तो वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो गृह प्रबंध का जो एक ब्रांच है उससे ये है। तो इसलिए आपके नेट का हो, UGC नेट हो, चाहे आपका LT, PGT, TGT, किसी भी कंपटीशन लेवल के जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका क्या रसोई घर, ठीक। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को पढ़ाया था। चलिए, पिछले वीडियो से याद आया कि बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि मैम आप क्लास कब लेती हैं, कितने बजे। तो अभी मैं लाइव क्लास नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं हर सैटरडे को 2 बजे 2 से 3 के बीच में, यानी कि हो सकता है मैं 2 बजे या 3 बजे कोई एक समय पे 2 या 3 बजे, ठीक है, मैं समय आप लोग को बता दूंगी कि मैं कितने बजे लाइव आती हूँ, ठीक है। तो मैं लाइव आती हूँ आप लोग से बातें करने के लिए। अगर आपको हमसे क्लास लेनी है या कोई भी बातें करनी है तो आप लोग प्लीज़ सैटरडे को लाइव आइए और वहाँ पे हमसे बातें करिए, मैं आपकी समस्या ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि सभी तक ये पहुँच जाए, सभी को बेनिफिट इसका मिले। तो हमने रसोई घर के बारे में, मैं यहाँ पर बात कर रही थी आपका रसोई घर, ठीक। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को रसोई घर किसे कहते हैं या रसोई घर कौन सा स्थान होता है, मैंने ये आप लोग को बताया। रसोई घर की व्यवस्था करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, मैंने इन सारी पॉइंट पे डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में। तो मैंने रसोई घर को बताया था कि आपके घर का वह स्थान होता है रसोई घर जहाँ पे भोजन पकाया जाता है, ठीक है। जहाँ पे भोजन पकाया जाता है वही आपका रसोई घर होता है, या उसे पाकशाला के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक। उसमें एलिजा नाम मैंने आप लोग को बताया था, एलिजा ने किया कहा था कि रसोई घर जो होता है, रसोई घर एलिजा ने कहा कि रसोई घर जो होता है वो आपका, उसे घर का कारशाला के नाम से एलिजा ने कहा था, ठीक है, मैंने ये आपको बताया था। फिर मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने के लिए, यानी कि जब आप किचन की व्यवस्था कर रहे हैं तो उस टाइम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर ही किचन की व्यवस्था करनी है। जैसे कि मैंने दिशा का बताया कि किस दिशा में रसोई घर हमेशा घर के पीछे भाग में बनाना चाहिए, ठीक है। और मैंने बताया कि उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, पूरब होनी चाहिए, क्योंकि पूरब जो है, सूर्य जो है पूरब से ही निकलता है, ताकि सूर्य का प्रकाश सीधे आपकी रसोई में आए, और वहां पे जो भी मतलब जैसे दोनों की व्यवस्था करनी है आपको, कृत्रिम और प्राकृतिक का भी। तो प्राकृतिक के लिए आपको पूरब दिशा ही चूज करना है, ऐसा मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। और मैंने आप लोग को आगे बताया कि अगर उसकी समांतर आकार की बात की जाए, अगर आपकी रसोई घर के आकार की मैंने बात बताई थी, तो आकार में मैंने आपको बताया था कि आप 8x8 का भी बना सकते हैं, और 9x10 का, और 9x12 का भी आप किचन बना सकते हैं। ये समांतर आपके बुक में दिया हुआ होता है, आप इस हिसाब से बना सकते हैं, ठीक। ये बुक का एक होता है जो कि यही आपके पेपर में पूछा जाता है, तो ये बुक के लिए दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका ये आकार मैंने आप लोग को बताया था, बाकी तो वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके जो आप घर बनवा रहे हैं उसका स्पेस कितना है, आप उस हिसाब से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कम ज़्यादा, लेकिन ये समानता एक आकार आप लोग का दिया था, मैंने ये बताया था। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि जब आप उसके किचन बना रहे हैं, उसका फर्श बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फर्श को जो टाइल्स हो या मोजक लगवा रहे हैं उसे कैसा होना चाहिए। सबसे पहले फर्श की ढलान जो है वो नाली की तरफ, यानी कि जिधर आपके पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है, ठीक, पानी की निकासी की व्यवस्था है, उसका ढलान भी उधर ही होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया कि ये ऐसा होना चाहिए, क्यों इसलिए होना चाहिए, ताकि अगर फर्श ढूंढ रहे हैं या पानी गिर जाए तो वो अच्छे से पानी बहकर नाली में चला जाए और आपका फर्श सूख जाए, ठीक। और मैंने आप लोग को बताया जो भी
टाइल्स या मोजेक लगवा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, तो वो आपका कैसा होना चाहिए, वो आपका ऑयल प्रिंट वाला होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि जब भी हम भोजन बना रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, तेल की छींटे उठते हैं कि नहीं, जब वो उठते हैं तेल के छींटे जाके उस पर पड़ते हैं, तो उसे हमें साफ करना होता है। अगर वो चिकना नहीं रहा, ऑयल प्रिंट वाला नहीं रहा, तो वो साफ करने में हमें दिक्कत आएगी, और साफ नहीं होगा तो हमारा किचन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने ये सारी बातें आप लोग को बताई थी। मैंने ये भी बताया था कि उसका मुख जो है किधर रखना चाहिए। अगर हवा की बात की जाए तो मैंने हवा के लिए बताया था कि आपको दक्षिण पश्चिम की तरफ उसकी मुख को करना चाहिए, क्योंकि भारत में ऐसा माना जाता है कि पश्चिम से ही हवा चलती है, ताकि आपके रसोई घर में अच्छी जो समवातन व्यवस्था है वो बनी रहे। ठीक, मैंने इतने पॉइंट आप लोग को क्लियर किया था कि रसोई घर की व्यवस्था करते समय हमें इन इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, आज हम उसी वीडियो को, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि रसोई घर के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, रसोई घर के प्रकार कितने होते हैं, इस बात को हमें यहाँ पे क्लियर करना है, रसोई घर के प्रकार। तो अगर रसोई घर के प्रकार को हम लोग देखते हैं, तो इसकी जो है दो आधार पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। कितने? तो दो आधार पे। पहला आपका है शैली के आधार पर रसोई घर, शैली के आधार पे आपका भारतीय शैली और विदेशी शैली। अब भारतीय शैली, ठीक, भारतीय शैली से भी आप लोग परिचित होंगे, और विदेशी शैली तो इस समय जो आपके प्रचलन में है वही आपकी विदेशी शैली है। तो भारतीय शैली की अगर हम लोग बात करते हैं, तो भारतीय शैली में क्या होता था, बैठ के खाना बनाने की व्यवस्था होती थी। कैसे? तो बैठ कर खाना बनाने की व्यवस्था होती थी, ठीक, बैठ के खाना बनाते थे, और प्लस ईंधन का प्रयोग किया जाता था। ठीक, ईंधन का प्रयोग किया जाता था। ईंधन के प्रयोग से क्या होते थे, धुएं निकलते थे। तो देखिए, यहाँ पर बैठ के खाना बनाने की व्यवस्था होती थी। ठीक है, रसोई घर बैठ के खाना बनाने की व्यवस्था होती थी, और घर के पीछे की तरफ वो प्रायः रसोई घर बनता था, क्योंकि ये ईंधन इसमें जलाया जाता था, तो इससे धुएं होते थे, तो धुएं होने से घर काले होने की संभावना होती रहती है, तो इसलिए घर के पीछे वाले भाग में रसोई घर की व्यवस्था की जाती थी आपकी भारतीय शैली में, और यहाँ पर बैठ के खाना पकाया जाता था, और प्लस आपका ईंधन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, गृहिणी बैठ कर खाना बनाती थी, और क्या होता था, चूल्हे का प्रयोग होता था। क्या होता था? तो चूल्हे के प्रयोग से खाना बनता था, और उसी रसोई घर में क्या होती थी, एक मतलब उसी में जो आपसे भोजन पकाने से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती थी, जैसे आपका अनाज हो गया, बर्तन हो गए, ठीक, तो ये सारी चीज़ें वहीं पे रखने की व्यवस्था होती थी, और बर्तन धुलने के लिए उसी किचन में क्या होता था कि एक तरफ नल लगा होता था, और नल के पास एक पटरा रखा या बना होता था, उसी पे बैठ के गृहिणी बर्तन धुलती थी। और भारतीय शैली की अगर बात की जाए, तो भारतीय शैली में क्या होता था, बैठ कर ही खाना परोसने का मतलब व्यवस्था था, लोग बैठ कर ही खाना खाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे भारतीय शैली में, वैसे अब इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे गाँव में, ठीक है, अभी भी गाँव में जो निर्धन लोग हैं, ठीक है, उनके घर में अभी भी ये शैली देखने को मिलती है, आपकी भारतीय शैली देखने को मिलती है। ठीक, तो इसके कुछ दोष भी थे, जैसे कि इसे बैठ के खाना पकाना होता था गृहिणी को, तो गृहिणी के पेट में दबाव पड़ते थे, उसको उससे दिक्कतें होती थी, और बार बार उठकर उसको सामान लेके आना, फिर रखना, तो ये सारी उसको समय भी, शक्ति भी अधिक लगती थी, श्रम भी अधिक खर्च होता था। ठीक है, समय भी अधिक जा रहा था, और दूसरी बात, ईंधन का प्रयोग, यानी कि चूल्हे पे खाना बन रहा था, ईंधन का प्रयोग हो रहा था, तो उससे भी गृहिणी को, उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही थी। ठीक है, जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड या धुएं निकल रहे थे, उससे उसके स्वास्थ्य को, मतलब जो उसका स्वास्थ्य था, उस पे भी कुप्रभाव पड़ता था। और जब बैठ कर ही खाना, तो कभी कभी ऐसा क्या होता था, बच्चे स्लीपर पहन के भी, जूता चप्पल पहन के भी अंदर चले जाते थे, तो जूते चप्पल से जो भी कीटाणु वगैरह आते थे, वो सीधे भोजन में प्रवेश कर जाते थे। तो ये सारी हानियां आपके कहाँ पे मिल हो रही थी, रसोई घर में भारतीय शैली में ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब हम लोग अगर बात करें आपकी विदेशी शैली, तो विदेशी शैली ही वर्तमान की जो शैली है, उसे ही विदेशी शैली कहते हैं, यानी कि जो खड़े होकर खाना बनाने की व्यवस्था की गई, उसी किचन को हम लोग विदेशी शैली के नाम से जानते हैं। यहाँ पे गृहिणी खड़े होकर खाना बनाती है, उसके कमर के बराबर एक स्लैब या
आपका सिंक बना होता है जिसपे आपके गैस चूल्हे रखे होते हैं और वहीं पे ही सारी व्यवस्थाएं की होती हैं, यानी कि उसके थोड़ा से हाथ पे दूसरा एक रैक बना होता है जिसपे सारे आवश्यक सामग्रियां रखी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे होती हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी ये व्यवस्था होती है। और एक चीज आप लोग का क्वेश्चन में पूछा जाता है, जब आपकी ये भारतीय विदेशी शैली में सिंक व्यवस्था की जाती है, सिंक लगाया जाता है, वो किस तरफ होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, वो बाएं तरफ होता है। ठीक है, बाएं तरफ की व्यवस्था होती है, बाएं तरफ बर्तन धुलने के लिए उसकी सिंक लगा होता है, जहाँ पे गृहिणी बर्तन धुलती है। तो ये दिशा पूछा जाता है, तो सिंक आपका किस तरफ होता है, सिंक की दिशा? ठीक है, इसमें सिंक की दिशा कैसी होती है? तो बाएं तरफ होती है, बाएं तरफ होती है। ठीक है, और एक चीज याद रखना है, यहाँ पे खड़े होकर खाना बनाना है। ठीक, खड़े होकर गृहिणी खाना बनाती है, ये बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक होता है। इसमें गृहिणी को ज्यादा चलना मतलब उठने बैठने की भी दिक्कत नहीं होती। अगर कोई जूता चप्पल भी पहन के आ जाता है, तभी इसमें कीटाणु भोजन में जाने की डायरेक्ट कोई शंका नहीं रहती है। तो इसलिए आपका अगर देखा जाए तो वर्तमान में आपकी विदेशी शैली ही प्रचलित है। ठीक है, तो हमने आप लोग को भारतीय शैली और विदेशी शैली बता दिया कि अगर शैली के आधार पर आपकी रसोई पूछी जाती है तो आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपका भारतीय शैली, एक आपका विदेशी शैली जो कि वर्तमान में प्रचलित है। अब हम लोग इसको देखेंगे आकार के आधार पर, जो कहते हैं आकार के आधार पर रसोई घर का वर्गीकरण। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, ये आपका पहला जो है यू आकार की रसोई घर, दूसरा आपका यल आकार की रसोई घर, तीसरा आपका है एक दीवार की रसोई घर, और चौथा जो है वो है दो दीवार वाली रसोई घर। अभी हम सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं। और पांचवा आपका है तारक रसोई घर, छठा आपका है शाही रसोई घर, जिसे राजसी रसोई घर भी कहा जाता है, इसे राजसी रसोई घर भी कहा जाता है। उसके बाद पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय रसोई घर आपका सातवां है, और आठवां आपका जो है वो द्वीप रसोई घर है। कौन सा है? द्वीप रसोई घर, इसे आइसलैंड या विकलांगों के लिए बनाया गया रसोई घर भी कहा जाता है। उसके बाद कोएक्स रसोई घर आपका 9 नंबर, यानी कि 9 रसोई घर आपके अगर देखा जाए आकार के आधार पे, आप लोग देख सकते हैं तो आपके आकार के आधार पे कितनी रसोई घर है, तो 9 पॉइंट आप लोग को बताया गया है। पहला यू आकार की, दूसरा यल आकार की, एक दीवार की, दो दीवार की, तारक रसोई घर, शाही या राजसी रसोई घर, पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय रसोई घर, आठवां जो है द्वीप रसोई घर, उसके बाद आपका क्यों है कोएक्स रसोई घर। ठीक, इतना है। अब इसके एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सभी के बारे में हम लोग अब यहाँ से डिटेल से पढ़ते हैं। ये भारतीय शैली को रिमूव कर देते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किसका, तो यू आकार की, जो यू आकार की रसोई घर होती है। ठीक, यू आकार की रसोई घर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यू आकार की रसोई घर आपका अगर देखा जाए तो इसे एक आदर्श रसोई घर के नाम से जाना जाता है। यू आकार की रसोई घर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे एक आदर्श रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक, आदर्श रसोई घर इसे कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, 3 दीवार का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से होता है यू आकार का। ठीक, इस तरह से होता है, यहाँ बीच में आपका गैस चूल्हा रखा होता है, ये गैस चूल्हा है। ठीक, और ये दोनों तरफ आपका, एक तरफ आपकी बाई तरफ जो होता है, बाई तरफ यहाँ पे आपका बर्तन धुलने का सिंक होता है, और इस तरफ फ्रिज वगैरह रखी हुई होती है। तो ये काफी दूर तक स्थान में आपका ये रसोई घर होता है, यू आकार की जो रसोई घर होती है ये काफी दूर तक होती है। ठीक, और देखने में इसको आदर्श रसोई भी कहा जाता है, इसमें काफी सुविधा होती है, काफी स्पेस होता है, तो ये सारी व्यवस्थाएं इसमें होती है। और अगर आपकी यू आकार की रसोई घर की बात की जाए तो इसमें 3 दीवार की संख्या, यानी संख्या दीवारों की कितनी होती है, 3 होती है। और आपके इसी में देखा जाए तो एक मुडेल महोदय थे, कौन थे, मुडेल महोदय थे, इन्होंने यू आकार की जो रसोई घर है, यू आकार की रसोई घर को इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ रसोई घर बताया है। क्या बताया है, तो सर्वश्रेष्ठ रसोई घर के नाम से भी
इन्होंने बताया है कि आपकी यू आकार की रसोई घर कैसी होती है। तो सब श्रेष्ठ किसने कहा है, मॉडल ने कहा है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। यहीं पे एक नाम और आता है एलन का। किसका आता है? एलन का आता है। तो एलन ने जो है यू आकार की रसोई घर को सर्वोत्तम आदर्श या सर्वोत्तम रसोई घर कहा है। ठीक, आदर्श और तथा सर्वोत्तम रसोई घर का है। तो ये दो पॉइंट बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। यू आकार की रसोई घर को आदर्श रसोई घर कहा जाता है, ये सबसे उत्तम रसोई घर माना जाता है। इसमें थ्री दीवार का प्रयोग होता है। सेंटर में आपका क्या होता है, चूल्हे रखे होते हैं, एक तरफ आपका सिंक होता है, दूसरी तरफ फ्रिज वगैरह की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और इसी रसोई घर को मुंडेल ने क्या कहा है कि सर्वश्रेष्ठ रसोई घर इसी को माना है। और अगर एनल की बात आती है तो इन्होंने आदर्श तथा सर्वोत्तम रसोई घर का माना है। किसे माना है? यू आकार की रसोई घर को। ठीक, तो ये रसोई यू आकार की रसोई घर हो गई, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इसे पेपर में पूछा जाता है। यू आकार की रसोई घर कैसी होती, तो आपको बताना होगा, आदर्श रसोई घर इसे माना जाता है। अब अगला दूसरा अगर आप लोग देखेंगे, दूसरा आपका कौन सा था, तो दूसरा आपका है यल आकार की रसोई घर। ठीक, अब आता है आपका, देखिए यहाँ पे दूसरा यल आकार की रसोई घर। तो यल आकार की रसोई घर, इसका आकार कैसे होता है, ये दो दीवार वाला होता है, ऐसे होता है। ठीक, ऐसे होता है, यहाँ पे आपका गैस चूल्हा वगैरह रख दिया जाता है और यहीं पे आपका बर्तन धुलने का यहाँ पे व्यवस्था हो जाता है। इसी से आपका फ्रिज लगा हुआ रहता है। इस तरह से इसका यल आकार की इसकी व्यवस्था होती है। इसमें दो दीवार होते हैं, दो दीवारों का प्रयोग किया जाता है। अगर इसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्तमान में ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसमें कम जगह की ज़रूरत होती है। आपके यू आकार में थोड़ा ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कम जगह में भी इसकी व्यवस्था की जाती है। स्थान अगर कम है तो इस प्रकार की आकार की जो है यल आकार के रसोई घर की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और अगर इसकी बात किया जाए तो अमेरिका में, ठीक, अमेरिका में किचन स्टडी हुई थी। ठीक है, अमेरिका के, ठीक, अमेरिका की जो किचन स्टडी हुई थी उसमें यल आकार की जो रसोई घर है, यल आकार की रसोई घर को उसमें क्या कहा गया कि ये इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ माना गया। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, अमेरिका के जो किचन स्टडी हुई थी उसमें यल आकार के रसोई घर को सर्वश्रेष्ठ रसोई घर माना गया है। अगर इसको देखा जाए तो सबसे ज्यादा यही प्रचलित भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचलित है और अगर देखा जाए तो प्रयोग भी सबसे ज्यादा इसी किचन का होता है। किसका होता है? तो आपके यल आकार की जो रसोई घर होता है इसी का सबसे ज्यादा प्रयोग भी किया जाता है। सर्वोत्तम भी यही होता है, सबसे ज्यादा प्रचलित भी है और प्रयोग भी हो रहा, उपयुक्त भी यही माना जाता है। अमेरिका के जो एक किचन स्टडी हुआ उसमें यल आकार की जो रसोई घर है उसे सर्वश्रेष्ठ रसोई घर माना गया है। ठीक है, तो यल आकार की रसोई घर हो गया। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला आपका क्या है, अगला आप लोगों का है एक दीवार की रसोई घर। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका है एक दीवार की रसोई घर। अब एक दीवार की रसोई घर कहने का मतलब है जो आपका घर है, ठीक, उसी एक दीवार में आपकी सारी व्यवस्थाएं की जाती है। एक दीवार की यानी इसमें बीच में सिंक होता है। सिंक का मतलब क्या, जिसमें बर्तन धुलने के लिए व्यवस्था की जाती है, जिसमें बर्तन धुलने की व्यवस्था की जाती है। बीच में एक दीवार होता है आपका, ठीक है, इसी में देखिए बीच में हो सकता है या हो सकता है एक साइड में आपकी चूल्हे की व्यवस्था की गई हो। ठीक है, चूल्हे की व्यवस्था की गई हो एक दीवार में, एक चूल्हे की व्यवस्था, हाँ, बीच में, उसके बाद यहाँ पे सिंक हो गया, यहाँ पे फ्रिज वगैरह
रख दिया जाता है। तो एक ही दीवार के सहारे सारे व्यवस्था की जाती है। इसी में एक यहीं पे सिर्फ यहाँ पे चूल्हा आपका, ये चूल्हा हो जाता है। यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए गैस वगैरह रखी जाती है। तो इसमें सिर्फ एक दीवार के सहारे ही इस किचन की व्यवस्था की जाती है। किचन की व्यवस्था ऐसे क्यों की जाती है, चूंकि यहाँ पे जहाँ पे जगह कम होता है, ठीक है, एक ही कमरा में, जैसे कि अभी हाँ अगर आप लोग को उदाहरण दिया जाए, कभी रूम लेने जाइए, आप लोग रूम वगैरह की व्यवस्था देखिए, जब रूम लेने जाइए, सेपरेट रूम लेने जाइए, तो वहाँ पे क्या होता है, उसी रूम में एक ऐसे रैंक बना दिया जाता है, ठीक है, एक आपका रैंक बना होता है, उसी पे खाना बनाने की व्यवस्था की जाती है। वही आपका किचन, जो वो किचन होता है, वही आपका एक दीवार की किचन होती है, ठीक है। तो अगर कम जगह की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी उपयुक्त माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो दीवार की जो रसोई घर होता है, ठीक, चौथा पॉइंट आपका है दो दीवार की रसोई घर, ये ठीक। दो दीवार की रसोई घर की बात करें, तब दो दीवार की रसोई घर, पहले एक दीवार की रसोई घर, अब दो दीवार की, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक, इस तरह से होता है। एक तरफ आपकी गैस चूल्हा और आपका सिंक बना होता है, ये आपकी गैस चूल्हा, यहाँ पे सिंक बर्तन धुलने के लिए होता है, और दूसरे दीवार में आपका फ्रिज वगैरह और सारे सामान रखने की व्यवस्था की जाती है। इसमें ज्यादा जगह होती है, बीच में ये दरवाजा होता है, आप इधर से आ जा आराम से सकते हैं, इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। और कभी कभी कम जगह, जब बहुत ज्यादा कम जगह होती है, तब इस तरह की रसोई घर की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, तब इस प्रकार की रसोई घर को स्थापित किया जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग बढ़ के अगर देखते हैं कि आगे हम लोगों ने कौन सा गैस चूल्हे, सॉरी, दो दीवार, एक दीवार हो गया, दो दीवार हो गया, अब आगे अगर हम लोग देखें तारक रसोई घर किसकी, तो तारक रसोई घर, इसी का तारक रसोई घर हम लोग देखेंगे। अब पांचवा आपका है तारक रसोई घर, ठीक। अब हम लोग तारक रसोई घर के बारे में बात करते हैं, तो तारक रसोई घर कैसा होता है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, बीच में आपकी गैस चूल्हा या आपके जो सिंक हो गया उसकी व्यवस्था कर दी जाती है, बाकी चारों तरफ ऐसे ऐसे करके सामान, यानी इस इधर फ्रिज रखा है, इधर बर्तन धुलने की व्यवस्था कर दी गई, तो इसको इसीलिए क्या कहा जाता है, स्टार प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका इसको किस नाम से और जाना जाता है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि स्टार प्लान किचन, ठीक, इसको स्टार प्लान किचन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बीच में सेंटर में जो होता है आपका गैस चूल्हा रख दिया जाता है, आपका सिंक हो गया, आपका फ्रिज, कोई एक चीज हो जाता है, और उसके कार्य क्षेत्र की केंद्र जो है वो इधर चारों तरफ इस तरह से ऐसे चारों कोने में या इस तरह से व्यवस्था की रहती है, जिससे ये होता है। और देखिए इसमें क्या होता है कि ज्यादा ज्यादा समय लेता है, ज्यादा इधर उधर जाना पड़ता है, ज्यादा समय शक्ति का जो है बर्बादी होती है इस किचन में, ठीक। तो ये आपका स्टार तारक रसोई घर, वो तारक नहीं जो तारक जी का उल्टा चश्मा आता है, आप लोग उसको ना समझिएगा, ठीक है। तो ये तारक रसोई घर है, जो कि एक स्टार प्लान के हिसाब से इसको इसका प्लानिंग किया जाता है, ठीक। अगला हम लोग अगर देखें शाही रसोई घर या राजसी रसोई घर, छठे नंबर पे आप लोगों ने क्या देखा कि आपका शाही रसोई घर, ठीक, इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे राजसी रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, राजसी रसोई घर के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्योंकि राजसी रसोई घर के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो ज्यादा स्थान होता है, आप लोगों ने सीरियल देखा होगा, एक आता है जोधा अकबर, तो उसमें जोधा हमेशा अकबर के लिए खाना बनाने जाती थी, ठीक, तो वहाँ की रसोई घर आप लोग देखे होंगे, नहीं तो वो लक्ष्मी बाई आती थी उसमें रसोई घर देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या काफी दूर तक उसका फैलाव रहता था, सारी व्यवस्थाएं उसमें की होती हैं, ठीक, तो वो ये बहुत ही बड़ा होता था, लेकिन अब इसका प्रचलन नहीं है, पहले इसका प्रचलन हुआ करता था, इसी को शाही या राजसी रसोई घर के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
अब उसके बाद आपका एक आता है पेनिनसुला प्रायद्वीपीय रसोई घर। ठीक, आपका अगला जो आता है वो है पेनिनसुला जो है रसोई घर। ठीक, राजसी के बाद अब सातवें नंबर पे हमने आप लोग को क्या बताया था, ये पेनिनसुला है। ठीक, सुला या इसको आप लोग क्या बोलते हैं, प्राय दीपीय रसोई घर। ठीक है, रसोई घर तो इसमें क्या होता है, ये लगभग लगभग यू आकार का रसोई घर होता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका आकार आपका यू आकार के रसोई घर के समान होता है। ठीक है, यू आकार के रसोई घर के समान होता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं होती हैं, ज्यादा से ज्यादा जो इसमें प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, बिजली से संचालित होने वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी एक हाँ आठवां पॉइंट आप लोग का क्या है, द्वीप, ठीक, द्वीप रसोई घर। रसोई घर, ठीक है, तो ये विकलांगों के लिए ये रसोई घर बनवाया गया था। किसके लिए, तो विकलांगों के लिए ये रसोई घर की व्यवस्था ठीक, विकलांग जो थे, विकलांग लोगों के लिए इस घर की व्यवस्था की गई थी। आपकी द्वीप जो व्यवस्था होती थी तो इसमें क्या होता था, सबसे ज्यादा ये विकलांगों जो भी आपके विकलांग थे ठीक, उनके लिए इसकी व्यवस्था इसको बनवाई बनाई गई थी। और इसमें जितने उपकरण होते थे वो बिजली से संचालित होने वाले उपकरण होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, तो बिजली से संचालित होने वाले उपकरण होते हैं। इसी द्वीपीय और प्रद्वीपीय के नाम से क्यों इन दोनों को कहा गया, ये दोनों यू आकार में या एल आकार के रसोई घर के रूप में हो सकते हैं। ये दोनों मैं एक साथ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि दोनों कुछ समान समान ही होते हैं। ठीक, समान होते हैं, विकलांगों के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसमें इसे द्वीपीय क्यों कहा गया, आपका ये चीज सबसे पॉइंट है कि इसमें जो होता है आपके बीच में, आप लोगों ने इस समय देखा होगा कि अगर आपका तारक के बात की जाए तो उसमें भी आप लोगों ने, आपके टीवी सीरियल में आता है तो क्या आता है, रसोई घर के बीच में एक टेबल रखा हुआ होता है। ठीक, उस टेबल पे खाना बनाते हैं और सारा सामान किचन के इधर उधर रहता है, वहां से उसको उठाते हैं। ठीक, उसी तरह से आपका ये जो होता है द्वीप, तो द्वीपीय रसोई घर, तो इसमें भी एक बीच में स्तंभ बना होता है इस तरह से। और यहाँ पे जो होता है आपका सामान रखे हुए होते हैं, और वो सामान आप लोगों को अगर एक उदाहरण दिया जाए तो आप लोग मेला वगैरह जाते हैं कभी कभी सड़क के किनारे भी, एक ऐसे स्तंभ में लोग एयर रिंग, जो आपका एयर रिंग होता है वो लगा होता है, आप उसको घुमा के मॉल वगैरह में जाइए वहां पर भी लगा रहता है। मॉल में भी अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो मॉल में भी एयर रिंग की व्यवस्था जो होती है, एयर रिंग जिसमें लगा होता है वो आप इस तरह से घुमाकर उससे कोई भी चीज ले सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक वही व्यवस्था मैंने आपको उदाहरण दिया, शायद आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसा स्तंभ होता है, इसको भी चारों तरफ से घुमाकर इस पे, यानी कि ये यहाँ पे सिंक बना दिया गया और ये बीच में स्तंभ है, तो जो विकलांग लेडी है, गृहिणी है, वो यहाँ पे बैठी है और जो भी उसको सामान की व्यवस्था है उस स्तंभ को घुमा के वहां से सामान लेकर यहाँ पे आसानी से वो खाना बना सकती है। ठीक है, तो ये व्यवस्था होती है आपकी द्वीपीय रसोई घर में और वही प्रायद्वीपीय होती है, ये दोनों के आकार सेम होते हैं। ठीक है, अब आपका एक ये 9 नंबर रह गया है जिसे क्वेक्स रसोई घर के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोग को सारी रसोई घर समझ में आ गई होगी, एक लास्ट रसोई घर के प्रकार को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 9 नंबर आपका रसोई घर मैंने आप लोग को बताया है कि क्या होता है, तो कोएक्स रसोई घर। ठीक, अब इस रसोई घर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को अगर देखा जाए, आप लोग बाजार में जाते हैं ठीक, तो इस समय नींबू पानी का एक वो चला है, लोग क्या करते हैं उसे फोर व्हीलर के पीछे लेके आते हैं और उसे निकाल के देते हैं, ये कि ये देख सकते हैं आप लोग। और एक अगर सीरियल आप लोग देखते होंगे तो उसमें जो एक आदत था, अरे क्या
नाम नहीं याद आ रहा है अभी, ठीक है। तो इसमें अगर अगर व्यवस्था की जाए तो आप लोग का थैला वगैरह है कहीं भी लेके जाइए, लगा के लेके आइए, चाट जिस पे खाते हैं कहीं भी, तो इसमें ये व्यवस्था होती है, इस तरह से आप लोग समझ जाइए, ठीक है। इस तरह से होता है, यहाँ पे आपका गैस चूल्हा रखा होता है, यहाँ पे बनाना और लोगों को देना और इसको लेके आना जाना, जो ये व्यवस्था की जाती है इसी को आप लोग क्वेक्स रसोई घर के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब देखा जाए तो अभी भी बहुत जगहों पे मैंने भी देखा है कि सड़क के किनारे लोग गाड़ी ले जाके रोकते हैं और वहां पे जो है मोमोज वगैरह बना के देते हैं, इस तरह की व्यवस्था होती है, उसी को वैक्स जो है क्वेक्स रसोई घर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैंने ये आपको रसोई घर 9 प्रकार के आकार के आधार पर रसोई घर मैंने आपको बताया, 2 प्रकार के आपके शैली के आधार पर मैंने रसोई घर बताया, शैली के आधार पर आपके 2 होते हैं, भारतीय और विदेशी, ठीक। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आपकी रसोई घर में इतना ही है, ठीक है। ये रसोई घर और ये प्रकार जितने भी प्रकार मैंने आपको बताया एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।